नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ब्लॉक अनूपगढ़ की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ब्लॉक अनूपगढ़ की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार ने कल जिला स्तर पर हुई बैठक में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप योजना और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिला कार्यक्रम प्रबंधक विपुल गोयल, जिला आशा समन्वयक के राय सिंह सहारण और जिला नोडल अधिकारी कमल गुप्ता द्वारा विभाग द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना, राशि योजना, जन्य सुरक्षा योजना, एनसीडी कार्यक्रम, क्षय रोग कार्यक्रम आदि पर ब्लॉक के अधीन संस्थानों की प्रगति पर चर्चा की गई। ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक पितरसेन शर्मा द्वारा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और लक्ष्य के प्रति पिछड़े संस्थानों को कार्य में सुधार हेतु निर्देश दिए गए। डॉक्टर सोनिया चुग, नोडल अधिकारी एनसीडी कार्यक्रम द्वारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज संबंधी सर्वे में सुधार के निर्देश दिए गए। बैठक में ब्लॉक के अधीन कार्यरत समस्त चिकित्सा अधिकारियों, ANM, फार्मासिस्ट, काउंसलर, ब्लॉक कार्यालय का स्टाफ और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने भाग लिया। दूसरी खबर भी अनूपगढ़ से आ रही है। अनूपगढ़ नगरपालिका मंडल की शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक सुबह 11:30 बजे आयोजित की गई। बैठक पालिका अध्यक्ष प्रियंका बेलान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पालिका के अधिशासी अधिकारी लाजपत राय बिश्नोई, उपाध्यक्ष सतपाल मुंजाल, नेता प्रतिपक्ष दीपक गोयल, RI संदीप बिश्नोई, AEN अनिल गुप्ता, ARI बबीता शर्मा व JN मनफुल राम मंचासीन थे। आज की बैठक में एकमात्र प्रस्ताव पत्रकारों को आवंटित भूखंडों के पट्टे जारी करने के संबंध में रखा गया था, जिसे सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। मंडल बैठक में इनके अलावा किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई। ऐसे में मंडल की बैठक लगभग 20 मिनट में ही संपन्न हो गई। बैठक में समस्त पार्षदों ने भाग लिया।